हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनाज गॉर्मे किचन। आज की रेसिपी है पापड़ का पराठा, जिसके लिए मैं ये कोई भी आपके पास पापड़ हो, चाहे उड़द का, मूंग का, मसाला पापड़ कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स हैं, नमक है, लाल मिर्ची पाउडर है, प्याज है, छोटा मैंने फाइनली चॉप किया हुआ है, हरा धनिया है चॉप किया हुआ, दो हरी मिर्ची है चॉप की हुई। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप आटा, ये गेहूं का आटा है। अब इसको मैं गूंद लूंगी। आटा गूंद गया है, थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। देखिए मैंने ना ऑयल डाल लिया है तवे पे, अब मैं पापड़ को फ्राई करूंगी। फ्राई किए हुए पापड़ बड़ा ही टेस्टी और क्रिस्पी इसका पराठा बनता है। दोनों साइड से अच्छी से क्रिस्प कर लेंगे पापड़ को। पापड़ को कर लूंगी मैं अच्छे से क्रश इस तरह से। दूसरे को भी पापड़ हमारा क्रश अच्छे से हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। ये छोटा प्याज मैंने फाइनली चॉप कर दिया था, और है 2 टेबलस्पून मैंने हरा धनिया चॉप कर लिया था, और 2 ही हरी मिर्ची छोटी छोटी काट ली थी। 1/2 टीस्पून डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि कई पापड़ रहते हैं स्पाइस ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही बनाना। नमक डालूंगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसको कर लूंगी अच्छी से मिक्स। अब ये स्टफिंग के लिए रेडी हो गया है। चलिए पराठा बनाना करते हैं स्टार्ट। देखिए एक रोटी की शेप में बना लिया है। अब इसमें हम घी लगाएंगे। अंदर घी लगाने से पहले क्या होता है कि ये क्रिस्पी क्रंची बहुत अच्छे से बनता है। इसके बाद हम लगाएंगे इसमें एक हल्का सा साइड में कट इस तरह से, और इसको हम करेंगे एक समोसा के जैसे कोन की शेप में। ये देखिए थोड़ा ध्यान से इसको इस तरह से घुमाना है, ये देखिए केयरफुली, ये देखिए कितना अच्छा कोन बन गया है ना। इसकी लेयर्स भी बहुत अच्छी से दिखेंगी। हम थोड़ा सा इसको अंदर से ऐसे प्रेस करके इसकी शेप को बड़ा करते रहेंगे ताकि हमारी फिलिंग जो है थोड़े अच्छे से भर जाए। देखिए अब हम इसमें फिलिंग भरते हैं। इस तरह से फिलिंग को हल्का हल्का प्रेस करके भरिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है नहीं तो पराठा फट सकता है। अब इस तरह से बंद कर लेंगे। देखिए केयरफुली इसको बेल लेंगे। ध्यान से बेलिएगा क्योंकि क्या है कि पापड़ जो रहता है वो क्रिस्पी होता है और फटने के चांसेस भी रहते हैं। बट इसको कुछ नहीं, हम लोग थोड़ा सा एक आटे का पैच लगा देंगे जिससे ये कवर हो जाएगा, फटेगा नहीं। देखिए अच्छे से रोल कर लेंगे इसको। देखिए
देखिए बन गया। अब हम इसको तवे पे डाल देंगे। दोनों तरफ से ही इसको अलट पलट करके सेकते रहेंगे। अब लगा देंगे इसमें घी। ये पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी बनते हैं। देखिए पराठा कितना अच्छी से दोनों तरफ से सिक गया है और कितना ही क्रिस्पी हो गया है। अब इसको हम निकाल के सर्व करेंगे बटर के साथ। बटर के साथ इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। देखिए पराठा कितना क्रिस्पी और कितना टेस्टी बना है। और इसकी देखिए लेयर्स देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए पापड़ कितना अच्छा से क्रिस्प हो गया और ज़्यादा क्रिस्प हो गया है पराठे में भी। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा और टेस्टी पराठा बनके तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।